मेरे प्रिय छात्रों, कल जो हमने पढ़ा, उम्मीद करते हैं याद होगा, हुआ होगा और एक दूसरे को शेयर भी किए होंगे। जैसा कि हम लोगों का हमारा उद्देश्य है कि विषय को एक दूसरे को शेयर करने से ये फैलेगा और सभी छात्रों को लाभ होगा। आज का टॉपिक है नाउंस, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है। आज हम नाउन के संबंध में डीपली पढ़ेंगे ताकि आगे आपको किसी प्रकार का दिक्कतों का सामना न करना पड़े और कंपटीशन में आपको सफलता मिले। इस बात को ध्यान में रख करके गहराई से सीखेंगे और यदि कहीं दिक्कत हो तो पूछेंगे भी, और अगर दिक्कत न हो तो कम से कम एक दूसरे को शेयर करेंगे। चलिए हम शुरू कर रहे हैं नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अंग है, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कहते किसे हैं, तो वाक्य को जो बोलते हैं इसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंग नाउन आता ही है। तो पहले ये जान लें नाउन है क्या चीज, हम तभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतया इसको डिफिनेशन में कहते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या और उसको ठीक ढंग से कहेंगे विस्तार से तो नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज फॉर पर्सन प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये सामान्य शाब्दिक हुआ। इसको यदि हम गहराई में जाते हैं तो हम देखते हैं वर्ब भी नाउन बन जाता है। जैसे हम देखते हैं स्विम, ये तो वर्ब है, इसका मतलब होता है तैरना। इसको हम सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं तो ये वर्ब बन गया, इसे हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में जानते हैं। लेकिन इसी को यदि हम लिखें स्विमिंग तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, दैट मीन्स ये सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट बन गया तो नाउन हो गया, इसका मतलब हो गया तैराकी, जबकि स्विम का अर्थ है तैरना। ये हुआ तैराकी, एक नाउन बन गया, तो ये भी एक नाउन है जो वर्ब से बना। ठीक इसी तरह से वर्ब के जो रूप होते हैं इस रूप को हमें देखना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ नाउन होते हैं काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल से मतलब जैसे स्टूडेंट, ये काउंटेबल है, लेकिन वाटर मिल्क ये भी तो नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल है। इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे, इसके लिए प्रोनाउन या इसके लिए वर्ब किस प्रकार का प्रयोग करें, इसी कारण इसको डीप में डीपली या तह तक जाकर के सीखना बहुत ही आवश्यक है। ये हम जानते हैं नाउन का डिफिनेशन के आधार पर में नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। सब्जेक्ट के रूप में आता है तो सब्जेक्ट का काम करता है तो उसके मुताबिक हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो कंप्लीमेंट होता है वर्ब का। ये कैसे, तो ही लाइक्स स्विमिंग, यहां जो वर्ड है वही वर्ड यहां है लेकिन ये वर्ब का कंप्लीमेंट हुआ। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। हम अगर इसको प्रश्न करें कि वह पसंद करता है तो क्या पसंद करता है, व्हाट डज ही लाइक्स, व्हाट डज ही लाइक, तो हम फट से जवाब देंगे स्विमिंग, दैट मीन्स ए लाइक वर्ब का कंप्लीमेंट हुआ। इस तरीके से यदि हम नाउन के को विस्तार से उसको खंड करके जानकारी ले तो उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में आप असफल नहीं होंगे, और असफल नहीं होंगे आपका जो भविष्य एकदम प्रशस्त होगा और समाज देश का कल्याण होगा। अब इस आधार पर इसे हम तीन भाग में बांट सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल, विजिबल इनविजिबल।
काउंटेबल यदि हम करते हैं तो इस नॉन काउंटेबल है तब तो इसके मुताबिक वर्ब सिंगुलर या प्लुरल दोनों होगा, लेकिन यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो इसके मुताबिक सिर्फ वर्ब सिंगुलर होगा। विजिबल में भी वही चीज, कोई नाउन है जिसको हम देखते हैं तो देखते हैं उसका आकार होता है, लेकिन जो हम नहीं देखते हैं निराकार होता है, यानी कोई आकार शेप है ही नहीं। तो इस तरह से जैसे पुअर मैन या द पुअर, ये पूरे के पूरे विजिबल है, इसको हम देखते हैं, लेकिन इसके अगर हम लगाते पुअरनेस, गरीबी, इसको हम देखते नहीं है, ये हो गया इनविजिबल। इसके साथ लगेगा सिर्फ सिंगुलर वर्ब, इसलिए कि अनकाउंटेबल है ये और विजिबल नहीं है, लेकिन इसके साथ हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों लगाएंगे। यदि वर्ब को हम काउंटेबल एक है तो वर्ब हम ईज देंगे, वर्ब सिंगुलर देंगे, यदि एक से अधिक है तो वर्ब प्लूरल देंगे। तो इसकी जानकारी के लिए, इतना एक्यूरेसी के लिए हमको ये डिवीजन अपने दिमाग में रखना है, साउंड नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, या विजिबल है या इनविजिबल है। अगर हम इसको नाउन के शाब्दिक जो बेसिक रूप है उसको डिवाइड कर देते हैं तो ये चार आते हैं। इन चारों को चारों ढंग से भी हम बताएं कि फिर से एक बार जान लीजिए कि काउंटेबल के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब आते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ मात्र सिंगुलर वर्ब आते हैं। विजिबल नाउन यदि है तो सिंगुलर है तो एक ही है तो सिंगुलर वर्ब, एक से अधिक है तो प्लूरल वर्ब, लेकिन इनविजिबल नाउन यदि है इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब हम बेसिक जो इसका काइंड्स है उसके आधार पर इसको अब बताएंगे।